तो एक अभी बहुत रिसेंटली एक कहानी आई थी, किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, पुणे के आसपास की एक लड़की है, करीब 16-17 साल की लड़की थी, उसने भेजी थी। तो उसके साथ हुआ उसके ये साथ हुआ खुद? है कि सर, जो मतलब मेरे ऐसे एकदम दिमाग के होश उड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। तो वो ब्लॉगर थी, फूड ब्लॉगिंग करती थी थोड़ी बहुत, आसपास में, पुणे के आसपास के एरियाज़ में, मतलब पुणे के पास ही कहीं रहती थी वो। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ, बट वो जाती थी ब्लॉगिंग वगैरह करने। तो एक दिन उसे एक इनवाइट आया उसके इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आपको यहाँ यहाँ आ सकते हो क्या। तो फिर एक बेकरी का नाम था, दिलखुश बेकरी टाइप्स एक बेकरी का नाम था। तो थोड़ा सा उस जहाँ वो शहर में रहती थी वहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में थी वो बेकरी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आऊँगी, मैं क्योंकि नई नई व्लॉगर है वो। उसने कहा बिल्कुल जाते हैं, जहाँ पे भी इनवाइट आ रहा है तो जाया जाए। एंड उसके बाद उस दिन उसके छोटे भाई का स्कूल भी था, तो उसे पिक करना था उसे छोटे भाई को। तो वो उसने कहा कि मैं छोटे भाई को स्कूल से पिक करते हुए ही उस बेकरी में चली जाऊंगी। तो वो लड़की उस बेकरी में गई, बेकरी बहुत सुंदर, अच्छी, जैसे आजकल एकदम फैंसी बेकरीज हो रही हैं, सब अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जब वो वहाँ पे जा रही है तो उसका छोटा भाई कह रहा है कि मुझे बहुत, छोटा भाई इज़ 7th 8th क्लास में, वो कह रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत ऐसे उल्टी जैसा फील हो रहा है, एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। कहती है अरे यार अभी तो मुझे, मैं आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर बैठ जा। तो कहते हैं कि जो ओनर्स होते हैं, बूढ़े अंकल आंटियाँ और कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब और कोई भी नहीं है, ना कोई कस्टमर है, ना कोई वर्कर है, सिर्फ एक बूढ़े अंकल आंटी हैं। वो कह रहे हैं हम ही देखते हैं सब, हमारी ये बेकरी है, पेस्ट्री शॉप है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आप अपने भाई को इधर आप खेलने के लिए भेज दो और मैं आपको फिर वो सब दिखाता हूँ, पेस्ट्रीज हमारी क्या क्या है। कहती है ठीक है चल तू खेल वहाँ पे। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना दीदी। वो ज़बरदस्ती भेज देती है, तो उससे जा खेल, मैं इतने रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग करती हूँ अपनी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करती है, उसका फ़ोन एकदम से बैटरी ख़त्म और स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। तो वो कहती है कि चलो मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ इतने फ़ोन। तो वो चार्जिंग वार्जिंग स्लॉट ढूंढती है वहाँ पे, चार्जिंग पे लगाती है अपना फ़ोन, और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है। कि अंकल कहते हैं कि चलो तब तक मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपने हमारी स्पेशलिटी है। तो वो उससे पूछते हैं तुम नॉनवेज खाती हो, वो कहती है हाँ मैं खाती हूँ नॉनवेज। तो पहले पेस्ट्रीज़ खिलाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बहुत टेस्टी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ और ये सब, फिर एक मीट पैटी खिलाते हैं उसे। वो तो खा के पागल हो जाती है, क्या टेस्टी है और ये कितनी अच्छी है। तो वो कहती है कि चलो ये वाली पैटी मैं अपने भाई को भी खिलाती हूँ। अब वो भाई के पास जाती है उस एरिया में, तो वो भाई होता नहीं है किड्स प्लेइंग एरिया में। एंड फिर वो ढूंढते ढूंढते किचन में जाती है, तो किचन में वो देख रही है कि एक लाल कलर का कुछ पड़ा हुआ है, और उसे काट काट के वो उस पैटी के चीज़ों में भर रहे हैं सामान, मतलब कीमा काटते कीमा या मतलब जो भी, फिलिंग टाइप हाँ कर रहे फिलिंग टाइप हैं, भर रहे हैं। अनकुक्ड एकदम कटा हुआ। हाँ। तो अब वो जो चीज़ है वो कलेजी है, बेसिकली दिल है, ठीक है। एंड वो कहीं अपना भाई नहीं मिल रहा है उसे, और वो देख रही है कि वो दिल से काट काट के मीट पैटीज भर रहे हैं, और वो परेशान, उसकी मतलब वो देख के एकदम से चीख निकलती है। और वो जो बूढ़ा बूढ़ी हैं वो दोनों उसे देखते हैं ऐसे नज़र उठा के कि अच्छा लगा तुम्हें मीट पैटीज, और चाहिए। और वो वहाँ से निकलने लगती है, और जब वहाँ से वो निकल रही है, निकलती है, भागती है वहाँ से कि फक ये क्या है, लेकिन अपना भाई को भी ढूंढ, हाँ तो उसे डर लगता है, वो गाड़ी में जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या है। अब वो गाड़ी में बैठी है अंदर, बाहर निकल के एकदम से उसे डर लग रहा है पीछे से वो दोनों आएंगे, कुछ हो रहा है उसके साथ। यहीं पे वो देखती है कि कुछ 5-6 छोटे बच्चों ने उसकी गाड़ी घेर ली है, और वो सब हाथ से उसे कोशिश कर रहे हैं बुलाने की। तो वो डर जाती है, वो वहाँ से गाड़ी चलाती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होती है, भाई उसका उस दिन से लापता है, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने पापा मम्मी को बेकरी के बारे में बताती है, तो बेकरी तक जाते हैं वो लोग, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो खंडर, देर इज़ नो बेकरी देर।
ठीक है, आसपास लोगों से पता किया तो पता चलता है कि यहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी जिसके ओनर थे एक हस्बैंड वाइफ और वो बच्चे खाते थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था उस बेकरी का। और वो बच्चा अभी तक मिसिंग है। ये तो आई एम श्योर अगर मिसिंग है तो न्यूज़ वगैरह में आया होगा और पूरा एकदम और आर्टिकल भी होंगे इस बेकरी आई थिंक सकते आर्टिकल जिसके आई थिंक सो। ओ भाई लेकिन क्या है कितना इस मतलब ये एक कहानी आई थी जिसने एकदम दिमाग मेरा घुमा दिया था। मैंने जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया इसके तो मैंने पूछा हुई होगी फिर इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आया कहां से आया। हां कहां से आया वो सब आपने देखे थे आर्टिकल इंस्टाग्राम पे वो मैसेज ही नहीं है। और वो बच्ची कहती है कि मैं कुछ मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या कैसे इसको कॉम्प्रिहेंड करूं या फिर मैं बताऊं आपको आप मानोगे नहीं मेरी बात। और पहले तो मैंने मानी भी नहीं मैंने भी उस 10 सवाल भाई मिसिंग हो गए फिर तो है ना मतलब कुछ तो अजीब है। और मतलब जब इतना हो गया कि उस देख एक बार को अगर वो कहती कि हाँ ये सब है लेकिन अगर उस जगह पे जाके लोग अगर कह रहे हैं कि हाँ बेकरी थी और ऐसे था तो ये तो बहुत ही डरावना है ना। क्या वो मतलब उस दिन उसके भाई का दिल वो खा रही थी मीट पैटी में तो गलती क्या था ये मतलब तो दिमाग खराब कर देने वाली बात है। ऐसी एक